सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. नाउ टिल नाउ इन द एस ब्लॉक इन लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे बेटा? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में हमने देखा रिएक्शन विथ ओ टू, जहां पर आपका क्या बनता था बेटा? M2O में कन्वर्ट होता है, फिर आपका M2O2 में, फिर आपका MO2 में कन्वर्ट होता है. ओके, यही था ना. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था बेटा? रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन होता है. अगर आपका एयर में मॉइस्चर है देन आपका Na2CO3 बनेगा, मीन्स कार्बोनेट बनेगा. ओके, अगर आपका ड्राई एयर है दैट मीन्स तब आपका क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड ओनली. बट लिथियम के केस में आपका क्या बनेगा? नाइट्राइड प्लस ऑक्साइड. समझ में आ रहा ना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? लिथियम के केस में आपका नाइट्राइड प्लस ऑक्साइड मॉइस्ट एयर के साथ. यहाँ पर Na2CO3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ Na रिएक्शन करता है, सारे एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्या था? रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन. इसमें क्या बनता है बेटा? M प्लस H2 रिएक्शन करके MH बनाते थे, आयनिक हाइड्राइड बनता. ओके, आयनिक हाइड्राइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे तो जिसका साइज छोटा होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो जिसका साइज छोटा होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव करेगा. लाइक लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम देन डॉट डॉट, इस तरीके से. ओके, अगर जो आपका हाइड्राइड बनता है उस हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी देखा जाए तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज आपका साइज इंक्रीज हो रहा है. एनायन का, कैटायन का साइज मींस जो आपका मेटल है उसका साइज आपका इंक्रीज हो रहा है. ओके, एच तो आपका फिक्स है तो एच तो इंक्रीज होगा नहीं. ओके, नाउ फिर आपने देखा रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं. उसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? वाटर के साथ रिएक्शन सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम. ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट आपने देखा हैलाइड. हैलाइड में बेटा क्या था आपका? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसके बाद आपने देखा नाइट्रेट आपको क्या होता बेटा? NO3 सिंगल नेगेटिव. डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, एंड एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे यहाँ पर, LiNO3 को अगर मैं हीट करता हूँ देन किस में कन्वर्ट होता है? Li2O में प्लस NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है. ओके, बिकॉज इसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है विथ Mg के साथ. ओके, एंड अदर नाइट्रेट्स अगर मैं यहाँ पर हीट करूँगा देन मुझे ये हीट फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा लगेगा. ओके, एंड दीज कन्वर्टेड टू MnO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. याद है कि नहीं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था? अगर इसको हाई टेम्परेचर पर हम लोग फिर से हीट करेंगे देन दिस कन्वर्टेड टू M2O प्लस N2 प्लस O2. इज इट क्लियर ना? नेक्स्ट फिर डिस्कस किया कार्बोनेट. कार्बोनेट आपका CO3 सिंगल डबल नेगेटिव होता है. ओके, डाउन द ग्रुप सारे जितने भी बड़े आपके एनायन हैं, एनायन मींस जो आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है, डाउन द ग्रुप जाने पर मींस इनकी साइज तो आपकी बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू
एस ब्लॉक एलिमेंट से, लिथियम से तो काफी बड़ी है, तो नीचे जाते जाते सीजियम के साइज के इक्वल हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज ही करने वाली है। जिनका साइज बड़ा है तो बड़े के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, बड़े के साथ अच्छा। कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज इक्वल है या बड़ा है, इसका मतलब है कि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है। क्लियर है? इसके बाद फिर देखा आपने HCO3 सिंगल नेगेटिव बाइकार्बोनेट देखा आपने, ओके। फिर आपने देखा नाइट्राइड, नाइट्राइड था। फिर आपका क्या था बेटा, सल्फेट था। सल्फेट के बाद फिर रिएक्शन विद एसिड के साथ भी मैंने बताया होगा आपका, बताया था। लिक्विड अमोनिया के साथ भी रिएक्शन बना था, यहां तक आई थिंक हम लोग कवर कर चुके थे लिक्विड अमोनिया तक। इज दैट क्लियर ना? लिक्विड अमोनिया में क्या फॉर्म होता है बोलो बेटा, क्या फॉर्म होता है लिक्विड अमोनिया के साथ? लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा, यहां पर देखो, ऑल डिजॉल्व विदाउट लिबरेशन ऑफ H2, बिना H2 दिए हुए डिजॉल्व हो जाते हैं, बिना H2 गैस निकाले डिजॉल्व हो जाते हैं, ओके। तो आपका ये मेटल है NH3 में, लिक्विड में NH3 में डिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो आपका ये आपका एक कंपाउंड बनेगा। एंड इस कंपाउंड का जो भी यहां पर बनता है कंपाउंड, बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी यहां पर ये बनने वाला है पूरा, इस कंपाउंड का कलर ब्लू होने वाला है, दिस ब्लू कलर होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर ब्लू होने वाला है, ओके। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ओके, समझ में आया। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर आपने हॉट मेटल है आपके पास, हॉट मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं आप अमोनिया का, तब आपका MnH2 मिलेगा, एंड साथ में H2 गैस मिलेगी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ओके। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बेसिकली मैं एस ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ओके, मीन्स लिथियम सोडियम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू नो दैट दीज मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स है ना, ओके। सो क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स को कोई रिप्लेस कर पाता है क्या? ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होती है, तो क्या उसको रिप्लेस कर पाएगा कोई? ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है, मीन्स सोडियम पोटेशियम आपको सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, बट कोई अदर मेटल्स अदर एलिमेंट आकर के इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज यही खुद हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हेंस दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर बेटा, समझ में आया पॉइंट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी यू नो दैट कि दीज मेटल्स हैव, दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। डिड यू नो दैट दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? जानते हो नहीं जानते हो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, हेंस कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ
ऑक्साइड और अदर कंपाउंड। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आपके पास CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैं H2 के साथ करा देता हूँ तो रिएक्शन क्या होगी बेटा बताओ? Cu प्लस H2O बनता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 था, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ऑल ऑफ यू? तो इस रिड्यूसिंग एजेंट ने, इस हाइड्रोजन ने इसको रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब ये आपका कॉपर मिल गया यहाँ पर विथ 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर था। सिमिलरली दीज मेटल्स आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, आपकी सोडियम से Na+ में जाती हैं, मीन्स 0 से आपका Na+ में जाएगा। ओके सो ये खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं तो दूसरे को क्या रिड्यूस कर पाएंगे? समझ में आया ना? दूसरा एलिमेंट आकर के इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये उसको रिड्यूस कर देंगे। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन मेथड। सपोज इसकी रिडक्शन पावर आपकी ज्यादा है, इसके साथ आप कोई और एलिमेंट लाओ तो ये इसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, उससे खुद रिड्यूस नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात को? दीज मेटल्स आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनका रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं कैसे होता है अल्टीमेटली, अभी तो नहीं हुआ ये, तो कहां से मिलता आपका? ओनली सक्सेसफुल मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा? फ्यूज सॉल्ट्स, ओनली सक्सेसफुल मेथड इज दैट इलेक्ट्रोलिसिस। ओके ऑफ फ्यूज सॉल्ट, जो इसके फ्यूज सॉल्ट होते हैं लाइक आपके क्लोराइड्स हो गए। ओके फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोराइड्स हो गए। ओके इनका आप क्या करते हो? इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। ऑलरेडी आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है बेटा? आप क्या करोगे? NaCl है आपका, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, फिर आपका Na पॉजिटिव कहीं पर कैथोड एनोड पर जाएगा, Cl नेगेटिव आपका कैथोड एनोड पर जाएगा। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। समझ में आया? ओके एंड अनदर मेथड, अनदर मेटल क्लोराइड्स, is added to lower fusion temperatures. Basically, अगर आपका जो सॉल्ट है नॉर्मली जो घर में आप लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हो NaCl होता है। अभी मैंने क्या बोला? NaCl को ही फ्यूज करना, यही बोला ना मैंने, NaCl को ही फ्यूज करना है ना जो उसके सॉल्ट है। तो आप क्या करोगे? NaCl को फ्यूज करोगे तो Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में जाएगा। बट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को जाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है बेटा। उस हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कोई दूसरा मेटल क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं जिससे इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस में ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी। समझे पॉइंट ऑल ऑफ यू? प्रोसेस यही है कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेगा, फिर आपका वो। अच्छा आप Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है तो आप बता सकते हो ना कि कैथोड पर क्या बनने वाला है, एनोड पर क्या बनने वाला है।
बता पाओगे कि नहीं? यस सर। हाँ वेरी गुड। ओके नाउ नेक्स्ट आपको देखना है एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम आपका सबसे छोटा कंपाउंड है ना? लिथियम ओके। एनामलस बिहेवियर का मीनिंग समझते हो? मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी सारी प्रॉपर्टीज यहां पर रिपीट हो गई। अभी देखना आपको बेसिकली क्या है, व्हाई दिस लिथियम ऐसा क्यों बिहेव करता है। एनामेलस मींस बेटा ये होता है नॉर्मली कि बाकी सबसे अलग बिहेव करना। ओके बाकी मेटल से थोड़ा सा अलग हटके बिहेव करना वो होता है एनामेलस बिहेवियर, मींस थोड़ा सा हटके बिहेव करना। बिकॉज साइज छोटा है, छोटा बच्चा है तो वो थोड़ी ना किसी को सुनता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, अपनी मर्जी से करता है। अभी अपनी मर्जी से जो करता है उसको हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जिसकी अलग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर पता लगा है कि ऐसा बिहेव क्यों करता है, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है, रीजन्स यहाँ पर हेडिंग लिखना आप रीजन का। रीजन फॉर एनामेलस बिहेवियर नंबर वन पे है स्मॉल साइज, साइज छोटा है, स्मॉल साइज एटम का बोल सकते हैं और आयंस का बोल सकते हैं दोनों का, इसलिए बिहेव करता है रैंडम तरीके से। ओके सेकंड पॉइंट है आपका पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा, इसकी हाई होती है या लो होती है? हाई हाई होती है। तो लिखेंगे हाई पोलराइजिंग पावर। ओके इसका मतलब क्या होता बेटा, दैट लीड्स टू इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, एम आई राइट ना? ओके नाउ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लोएस्ट होता है या हाईएस्ट होता है? बोलो हाईएस्ट। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होता है बेटा, लोएस्ट होता है या लोएस्ट? लोएस्ट लोएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर्स। ओके नेक्स्ट आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट अभी आप बताओ मेटेलिक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होगा या कम होगा? These are the five reasons for behaving. अलग तरीके से बिहेव करने के लिए five reasons हैं। First of all आपका small size है। Basically आपके these three properties आपके ज़्यादा use होते हैं। First, third, okay? Last के दो ज़्यादा use नहीं होते हैं। कभी आता है exam में कि lithium ऐसा behave क्यों करता है random तरीके से या magnesium के तरीके से, magnesium की तरह क्यों match करता है? तो ये आपको 1, 2, 3 point लिख देना है। याद रहेगा, याद रहेगा ना? ओके नाउ अभी आपको क्या करना है देखना, यहाँ पर ये लिथियम है, मैं लेफ्ट साइड लिथियम की प्रॉपर्टीज लिखता हूँ और राइट साइड अदर अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखता हूँ।
अदर कौन सा, सोडियम से नीचे जाने पर जो भी मेटल्स है। ओके अभी मैं यहाँ पर वन बाई वन प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ लिथियम का एंड अदर एल्कली मेटल्स का, कि लिथियम किस तरीके से होता है एंड बाकी मेटल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे, तो आपको डिफरेंस भी क्लियर आ जाएगा। समझ में आया ना कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉपर्टीज किस तरीके से फॉलो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका लिथियम आपका हार्ड होता है, हार्डर एंड लाइटर, लाइटर मीन्स बहुत ही हल्का होता है। ओके एंड बाकी ये एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं। ओके नाउ सेकंड पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है बेटा, हाई होगा या लो होगा। हाई इनका बीपी एंड एम मेल्टिंग पॉइंट्स आपको क्या होगा। समझ में आया ना, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, सारा प्रॉपर्टीज रिपीटेड आएगा, आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ सेम सारा प्रॉपर्टीज, नाइट्रेट किस तरीके से बिहेव करता है, कार्बोनेट किस तरीके से बिहेव करेगा, LiCl किस तरीके से बिहेव करेगा, वही सारी प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पर एक एक जगह पर हो जाएंगे सारे डिफरेंसेस। ओके नाउ नेक्स्ट, लिथियम इज अ लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव है ना, एंड दीज आर रिएक्टिव। ओके रिएक्टिव इन द सेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं मींस दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर, मींस एयर के साथ क्या होगा, नॉट अफेक्टेड बाय एयर इजिली। ओके तो ये एयर के साथ इजिली रिएक्शन नहीं करता। ओके नॉट अफेक्टेड बाय एयर easily, does not समझ में आया पॉइंट, जब एयर से रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका लेक्चर भी नहीं जाएगा, जो एयर से रिएक्शन कर लेते हैं उनका लेक्चर चला जाता है जल्दी। एयर से रिएक्शन करने पर भी तो ऑक्साइड बनता है ना, और जो लेक्चर होता है वो ऑक्साइड की लेयर होती है, लेक्चर किसकी वजह से गायब होता है, ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ जाती है, तो लेक्चर आपका गायब हो गया। समझ में आता पॉइंट या नहीं समझ में आया। यस सर। ओके नाउ अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो लिथियम स्लोली रिएक्शन करता है या हाईली रिएक्शन करता है, स्पीड क्या होता है, हाईली लिथियम। स्लोली रिएक्शन करता है ना, एक बार देखो बेटा, बाकी इन एलिमेंट का तो पता है आपको। अरे भाई लिथियम आपका स्लोली रिएक्शन करता है, सीजियम आपका एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है, याद करो, सोडियम आपका विगोरसली रिएक्शन करता है, पोटेशियम आपका फ्लेम के साथ रिएक्शन करता है, फ्लेम जनरेट होता है उसमें, याद करो याद आया ना। ओके नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करा दूं आपका लिथियम का O2 के साथ रिएक्शन करा दिया आपका, Li2O बनेगा। ओके एंड अगर लिथियम का रिएक्शन करा दिया मैंने N2 के साथ, देन क्या बनेगा आपका, Li3N। क्या ये प्रॉपर्टीज ये लोग शो करते हैं क्या, सोडियम वाला तो शो कर देगा, सोडियम वाला तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, Na2O2। ओके
डिपेंड करता है ऑक्सीजन कितना है, नॉर्मल है तो आपका ये बनेगा, एक्सेस है तो आपका ये बनेगा, क्लियर है ना। नाउ अभी ये बताओ जो बाकी ऑक्साइड हैं, पोटेशियम सॉरी बाकी मेटल्स हैं रुबिडियम सीजियम, ये अगर O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? KO2 MO2। ओके KO2 MO2 बात है जी। ओके नाउ क्या यही रिएक्शन, लेट्स मींस इसको मैं M बोला, N2 के साथ रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती है। ओके नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, लिथियम हाइड्रोक्साइड है आपका, लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसको हीट करने से क्या बनता है, किस में कन्वर्ट होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड? Li2। वेरी गुड, Li2O में, एंड साथ में आपका वाटर निकलता है H2। ओके ये बिकॉज क्यों शो करता, बिकॉज बेटा डायगोनल रिलेशनशिप होता है आपका Mg के साथ। यहां पर मैं अलग कलर से लिख देता हूं, सेम आपका MgOH का होल ट्वाइस को आप हीट करते हो, देन दिस कन्वर्टेड टू MgO प्लस आपका H2O। ओके ये आपको अलग से याद कर लेना अभी के लिए। ओके नाउ क्या अदर अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड रिएक्शन डू नॉट डिकम्पोज, ये डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होती है। ओके अदर मेटल हाइड्रोक्साइड टू नॉट डिकम्पोज। ओके तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया रिएक्टिविटी के मामले में। ओके नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है, लेट्स से नंबर देते हैं फोर्थ नंबर, क्या आपका LiHCO3 होता है? LiHCO3 आपका सॉलिड है या लिक्विड है बताओ मुझे? एक्वस। एक्वस मींस सॉल्युबल। यही एक बाइकार्बोनेट है जो ओनली सॉल्यूशन में मिलता है आपको, बाकी अदर बाइकार्बोनेट्स आर सॉलिड। सॉलिड्स क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट, व्हाट विल हैपन अगर LiNO3 को मैं हीट कर देता हूं, क्या बनेगा बेटा? Li2O NO2 NO2 प्लस O2। ओके ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपका Mg NO3 whole twice इसको हीट करते हैं, that converted to MgO plus NO2 plus O2, इस तरीके से दिख रहा ना, same property same reaction, but other metals क्या होते हैं बेटा? Other metals का reaction, let's say मैं यहाँ पर sodium के लिए ले लेता हूँ, NaNO3 है, NaNO3 को हीट करते हैं क्या बनता बेटा आपका? NaNO2 NaNO2 plus O2। okay clear है। now what will happens, आप कार्बोनेट को हीट करते हो, CO2 Li2CO3 को हीट करेंगे, Li2O बनेगा प्लस आपका CO2 बनेगा। okay and यहाँ पर sixth number points है, other carbonate met other carbonates क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं, इनको हीट करने से नॉर्मली नहीं होता है।
नॉर्मली ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर सेवेंथ नंबर पॉइंट में बात करूं मैं, सेवेंथ नंबर पॉइंट में जो आपके LiF है, LiPO4 है, Li2CO4 है, लेट्स से लिथियम LiF, Li3PO4, Li2C2O4, C2O4 क्या होता बेटा? सबके नाम बताओ मुझे। किसका नाम नहीं आता आपको बताओ? फर्स्ट आपका लिथियम फ्लोराइड है, क्लियर है ना? सेकंड आपका लिथियम फास्फेट है, थर्ड आपका क्या है? लिथियम ऑक्सलेट। ये आपका जो C2O4 डबल नेगेटिव वाला आयन होता है ना, इसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आपने रिडॉक्स में बहुत सारा यूज किया होगा आपने, या आयनिक में भी आया होगा आपका, और कहाँ पर आया, रिडॉक्स में काफी ज्यादा यूज किया होगा आप, ओके, ऑक्सलेट आयन। फिर ये आपका लिथियम कार्बोनेट, ये तो आपको आइडिया है, ओके। दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल्स, ओके। एंड अगर अदर मेटल्स के यही आयंस हैं, सेम टू सेम आयंस अदर मेटल्स के हैं, दीज आर मोर सॉल्युबल। क्लियर है बेटा पॉइंट? नाउ पॉइंट नंबर एट, पॉइंट नंबर एट आएगा, अगर लिथियम सल्फेट है डज नॉट फॉर्म Li टू SO4, डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट, ओके, बट दीज मेटल्स अदर फॉर्म एलम, ओके। पॉइंट नंबर नाइन, पॉइंट नंबर नाइन की बात करें हम लोग, लिथियम हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक MgCl2। लिथियम हैलाइड आर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक MgCl2, ओके, बट दीज हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल बिकॉज बेटा इनका आयनिक करेक्टर होता है, ओके। तो ये आपका MgCl2 आपका क्या होता है बेटा? कोवेलेंट टाइप करेक्टर होता है MgCl2, ओके। सो ये आपके लाइक डिजॉल्व, लाइक वाला समझते हो ना, जो जिस तरीके से कंपाउंड होता है उसी की तरीके में डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, हैलाइड्स आर पार्शियली कोवेलेंट्स, मींस कौन सा हैलाइड्स? लिथियम के हैलाइड्स आर पार्शियली कोवेलेंट ड्यू टू, बेटा रीजन क्या होगा यहां पर? हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर है, इसकी वजह से इनका नेचर क्या हो जाएगा बेटा? कोवेलेंट हो जाएगा, ओके। एंड जनरली दीज क्या होते हैं बेटा? ये आइडियली तो ये आयनिक होते हैं, बाकी कब कौन सा क्या चेंज हो जाए वो नहीं पता, अभी हम बाद में देखेंगे, ओके। इनके पास कोवेलेंट नेचर होता है, सो इसका मतलब है दे कैन फॉर्म LiCl.2H2O हाइड्रेटेड,
सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म, ओके, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। कभी आपने देखा है NaCl.2H2O5H2O? इस तरीके से कभी नहीं देखा, मिलेगा ही नहीं आपको। ओके, तो दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज विच आपको जो सेपरेट करेगा लिथियम को अदर एल्कली मेटल से। ओके, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। ओके, बुक्स में, किसी भी बुक्स में उठाओगे बहुत सारा लिखा होगा, तो ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। ओके, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा लिखा दिया, इतना जरूरत भी नहीं होता। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच सिमिलर टू द मैग्नीशियम? कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटीज शो करती हैं? ओके, तो बेसिकली उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशन यहां पर लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप विथ Mg। ओके बेटा, डायग्राम रिलेशनशिप विथ Mg में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे क्या रीजन है जो Mg के साथ रहना पसंद करता है या अपने घर में रहना पसंद नहीं करता। ओके, फर्स्ट रीजन फॉर डायग्राम रिलेशनशिप, नंबर वन आपका कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 1.00 के आसपास होती है और Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 1.2 के आसपास, तो ऑलमोस्ट पास पास में है। इसलिए ये लोग बोलते हैं भाई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए हम दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट आपका सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करूं तो इन दोनों के आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मीन्स अगर वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू आपका लिथियम के केस में कितना वैल्यू था बेटा एटॉमिक और एटॉमिक रेडियस का वैल्यू? बताओ बताओ। 152। कितना? 152। पक्का ना? पिकोमीटर में ना? बोलो बोलो बेटा। सो इनकी जो आयनिक रेडियस है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। वैल्यू का मैं वैसे भी मना करता हूँ, वैल्यू याद करने का नहीं है। ओके, अगर याद है तो अच्छी बात है। ओके, 152, हाँ पक्का सही है। थर्ड है आपका सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम। इसका एटॉमिक वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हाई पोलराइजिंग पावर। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका 1 और 4 है। समझ में आया? पोलराइजिंग पावर तो आपको भूलना ही नहीं है, बिकॉज मैग्नीशियम एंड लिथियम की जो पोलराइजिंग पावर होती है दोनों की इक्वल होती है। ओके, नाउ क्या क्या सिमिलरिटीज हैं ये हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। सॉरी, नाइट्रेट तो हमने देख लिया और आई थिंक कार्बोनेट देख लिया। ओके, बाकी जो भी सिमिलरिटीज है वो भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सिमिलरिटीज हेडिंग लिखेंगे सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मींस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो दोनों सेम शो करते हैं। ओके, बोथ आर द हार्डर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दोनों मेटल्स
आर्डर होती है नंबर वन आपका हार्डर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके सेकंड पॉइंट है डिकम्पोज वाटर स्लोली टू लिबरेट एच टू। बेसिकली आपका लिथियम के साथ अगर वाटर की रिएक्शन करते हैं डिकम्पोज वाटर स्लोली टू लिबरेट एच टू गैस। ओके बेसिकली सबने ये रिएक्शन पढ़ा होगा कि लिथियम या कोई भी मेटल्स आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस आपका एच टू गैस बनता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा मैंने बताया ना मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में बताया कि कोई भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो आपका एच टू गैस देती है। देती है कि नहीं देती है याद करो मैंने लिखा है था हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ वाटर की रिएक्शन कोल्ड वाटर हॉट वाटर स्टीम। यस सर। ओके जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो इवन कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाती हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको क्या करना पड़ता है थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। ओके तो मैग्नीशियम इसी कैटेगरीज में आता है। मैग्नीशियम के लिए भी आपको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही स्लोली रिएक्शन होता है एंड आपका Mg OH का होल वाइज मिलेगा प्लस आपका H2 मिलेगा। इस रिएक्शन को फास्ट करना है तो आपका यहाँ पर क्या लगेगा बेटा थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा 25 से लेकर के 90 डिग्री टेम्परेचर के आसपास आपको लेके जाना पड़ेगा इस रिएक्शन को तब ये H2 आपका फास्ट मिल जाएगा। अदरवाइज स्लोली रिएक्शन होगा। नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो लिथियम के साथ स्लोली रिएक्शन होगा। क्लियर है समझ में आया। थर्ड नंबर पॉइंट देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट बोथ कंबाइंड विद N2 बोथ कंबाइंड N2 के साथ तो दोनों कंबाइंड हो जाती है बेटा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं बेटा बोलो बोलो L3N। वेरी गुड। ओके इसके साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाएगा Li3N और Mg के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा बताओ Mg3N2। वेरी गुड Mg3N2। ओके नाउ इसके साथ मैंने और भी लिखा हुआ आपका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बेटा बोलो बोलो LiOH प्लस बोलो अरे रिस्पेक्टिव गैस मिलती है ना बेटा यस आइड है ना वो लोग दोनों यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3 मिलने वाला। जब वाटर पास करते हैं वाटर की रिएक्शन कराते हैं नाइट्राइड से तो आपका रिस्पेक्टिव गैस मिलने वाली है ना क्लियर। ये आपका रेड कलर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है मैंने। ओके याद करना है बट इसको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है बोथ कंबाइन विथ कार्बन ऑन हीटिंग। हीट करने पर दोनों कार्बन के साथ कंबाइन होता है। देखो लिथियम को कार्बन के साथ कंबाइन करेंगे क्या बनता है बेटा बताओ मुझे कौन कौन बताएगा मुझे। मैग्नीशियम का कार्बन के साथ रिएक्शन कार्बाइड नाम सुना कभी Mg हाँ MgC2
यहाँ पर Li2C2, सर ने बताया होगा ना कार्बन आपको कि कार्बन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होगा, तो एक आपका बताया होगा डायमंड बताया होगा, ग्रेफाइट बताया होगा, फुलरीन बताया होगा, कार्बाइड बताया होगा, बताया कि नहीं बताया? यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया होगा बेटा, ऐसा नहीं होता बिना बताए तो जाएंगे नहीं। नाउ कार्बाइड्स में अगर मैं H2 गैस पास H2O से रिएक्शन कराया मैंने, तब क्या फॉर्म होने वाला, एनी आइडिया? CO2। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं, मैंने जब हाइड्रोजन चैप्टर मैंने वाटर के साथ रिएक्शन लिखाया, कैल्शियम कार्बाइड बहुत सारे कार्बाइड्स हैं, मैग्नीशियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, डिफरेंट डिफरेंट की कार्बाइड्स हैं, वहां पर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो क्या फॉर्म होता है वाटर के साथ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर वाटर है, क्या फॉर्म होता है? क्या ये रिएक्शन भूल गया क्या, कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपका CaOH का होल ट्वाइस मिलता है प्लस C2H2 मिलता है। मिलता था ना C2H2? यस सर। वही तो कार्बाइड है, कंफ्यूज क्यों होते हो? कार्बाइड मतलब एक ही चीज, कार्बाइड ही आने वाला है कहीं पर भी हो के, तो यहाँ पर कंपाउंड्स क्या बनने वाला, C2H2 बनने वाला, यहाँ पर भी C2H2 बनने वाला, साथ में उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा ना? भाई बेटा ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है कार्बाइड के साथ, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आता ही आता है इधर से, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बीच का पार्ट है, यहाँ पर कार्बन भी है और आपका लिथियम मैग्नीशियम भी है, तो ये रिएक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ से देने के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन अगर रिएक्शन करेंगे मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कौन सा पॉइंट है इधर पर, फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट, बोथ फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड, इसका मीनिंग ये है लिथियम आपका O2 के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा बेटा, Li2। सिमिलरली आपका Mg आपका रिएक्शन करेगा O2 के साथ, आपका MgO फॉर्म करेगा, मींस ये फर्दर परोक्साइड और सुपरऑक्साइड में नहीं जाने वाले, समझ में आया? क्लियर है ना? एंड दीज आर लेस सॉल्युबल, ये पॉइंट याद रख के रहना, ओके लेस सॉल्युबल, हम लोग बताएंगे अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं उसमें। पॉइंट नंबर 6, हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ, दोनों के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होते हैं ना बेटा, क्या फॉर्म होता है डिकम्पोज होकर के, and decompose on heating, मैंने कितनी बार रिएक्शन लिखा डिकम्पोजिशन का भी, लिथियम हाइड्रोक्साइड हीट करते हैं क्या फॉर्म होता है बेटा, Li2 plus CO2, very good, MgOH whole twice, MgO plus CO2, okay, these hydroxide are weak base, ये point याद रखे रहना, बाकी S block के जितने hydroxide है बाकी strong base होते हैं, समझ में आया? ये lithium hydroxide आपका weak base होता है and NaOH आपका strong base होता है, okay? Sir.
सीओ टू कैसे फॉर्म होगा? सॉरी सीओ टू नहीं, इधर पर एच टू फॉर्म हो रहा है। H2O फॉर्म होने वाला। अभी क्लियर है ना? यस सर। तुमने बता दिया, बाकी लोग तो सो रहे हैं, यही पढ़ते बाद में फिर डाउट पूछते। बाकी लोग तो सो रहे हैं, पता नहीं कहां पर हैं। नाउ सेवेंथ नंबर पॉइंट देखो, सेवेंथ नंबर पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, Li2CO3 को हीट करते हैं, आ जाएगा आपसे Mg CO3 को हीट करेंगे, कर लोगे ये पॉइंट, यहाँ पर Li2O फॉर्म होगा एंड CO2 फॉर्म होगा। ओके, पॉइंट नंबर एट, पॉइंट नंबर एट में आपका लिथियम नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, तब आपका क्या फॉर्म होने वाला है? एंड सिमिलरली आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है आपका, इसको हीट करने वाले हैं, क्या फॉर्म होने वाला? ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे बेटा? यस सर। कर लोगे? यस सर। दिस इज होमवर्क आपके लिए, होमवर्क के लिए। ओके, बैलेंस रिएक्शन, पूरा बैलेंस करके लिखना आपको। ओके, नाउ पॉइंट नंबर नाइन, पॉइंट नंबर नाइन है बोथ आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, बोथ आर डेलिक्विसेंट इन नेचर। डेलिक्विसेंट का मीनिंग समझते बेटा? जो आपका इस तरीके से हाइड्रेटेड वाटर रखता है, जो भी सॉल्ट हाइड्रेटेड वाटर रखता है, वो प्रॉपर्टीज आपकी डेलिक्विसेंट होती है। समझ गए? MgCl2 जस्ट लाइक, ऐसे समझो कि जैसे आपका सॉल्ट है, आपका नॉर्मल सॉल्ट है NaCl, NaCl ने क्या, अगर उसको बाहर छोड़ दे तो मॉइस्चर हो जाता ना उसमें, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, बट वो मॉइस्चर आपके सॉल्ट से अलग रहता है, मींस उससे अटैच हाइड्रेटेड नहीं होता, उससे अटैच नहीं रहता है, बट LiCl के केस में क्या होता है, उससे अटैच हो जाता है। समझा? LiCl और MgCl के केस में, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट है बोथ बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ मींस मैग्नीशियम और लिथियम के डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये तो आप लोग जानते हो। पॉइंट नंबर कौन सा है? नाइन है आई थिंक। बाइकार्बोनेट ऑफ बोथ, बोथ मींस लिथियम एंड मैग्नीशियम, ओके, डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। अभी सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये मैग्नीशियम का तो पता है ना आपको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कहां पर देखा आपने, कहां पर सुना नाम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कहीं पर सुना? हार्डनेस में मैग्नीशियम, क्या वहां पर सॉलिड होता था क्या ये? नहीं, सॉल्युबल रहता था। अगर सॉलिड होता ये तो हमको हार्डनेस के लिए हीट क्यों करना पड़ता, नॉर्मली हम लोग निकाल सकते थे, तो ये सॉल्युबल होता है। सिमिलरली आपका लिथियम का बाइकार्बोनेट भी आपका सॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? नाउ पॉइंट नंबर एट, नाइन, अच्छा नाइन हो गया था, ये टेन है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका LiCl एंड MgCl सॉल्युबल इन एथेनॉल. मैं यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट. LiCl and MgCl2 soluble in C2H5OH. इसका नाम क्या बेटा? इथेनॉल. ओके, तो ये आपका यहां तक क्लियर हुआ. क्लियर हुआ बेटा. अभी नेक्स्ट हमको पढ़ना है आपका सोडियम. सोडियम मीन्स प्रॉपर्टीज, जो आपकी जनरल प्रॉपर्टीज थी, जो भी प्रॉपर्टीज थी वो आपका क्लियर हो गया आपका एस ब्लॉक का. अभी एस ब्लॉक के कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है. कंपाउंड्स लाइक आपका सोडियम, एंड सोडियम के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? लाइक NaCl हो गया, NaOH हो गया, ये कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे. Na2O2 हो गया, सोडियम परोक्साइड हो गया आपका, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH हो गया आपका, ये कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करेंगे, मीन्स इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर है ना? नाउ बिफोर गोइंग टू सोडियम स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बताओ जो आप लोग कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो मुझे. ओके, लाइक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसका रीजन चाहिए. ओके, आप लोग बताना है यहाँ पर सब लोगों को. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टनेस के बारे में. सॉफ्टनेस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और रीजन क्या होता है? इंक्रीज. इंक्रीज होती है. रीजन क्या होता बेटा? बॉन्ड वीक हो जाता. क्या वीक होता है? रुको, आप लोग वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगा, एटलीस्ट आप लोग बोलो ऐसे ही, अदरवाइज वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगा, जो ऑन नहीं करेगा उसको रिमूव कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग मुझे आंसर दो. समझ रहे हो? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी. मैंने क्या बोला, जब मैं पढ़ाता हूँ नो नीड टू ऑन, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है. जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन तो आपको वीडियो ऑन करो या तो फिर आंसर दो. सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, उसका रीजन लिखोगे आप. सेकेंड पॉइंट अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ कोवेलेंट करेक्टर्स, कोवेलेंट करेक्टर्स क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज होता है. नेक्स्ट अगर मैं बोलूं लिथियम क्लोराइड है आपका, लिथियम फ्लोराइड आपका सॉल्युबल होता है या नहीं होता है? सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल. स्पेरिंगली सॉल्युबल. ओके, रीजन क्या होता बेटा? बिकॉज इसकी जो लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन द हाइड्रेशन एनर्जी. जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है वो आपका सॉल्युबल नहीं होता है. अभी लैटिस एनर्जी तो तुम जानते हो ना, बिकॉज लिथियम का साइज क्या है बेटा? छोटा है. फ्लोरीन का भी साइज छोटा है, तो दोनों छोटे छोटे अच्छा सा क्रिस्टल बना लेंगे. दोनों मिलकर के एक अच्छा क्रिस्टल बना लेंगे. क्रिस्टल मीन्स एक अच्छा, क्रिस्टल तो आप लोग जानते हो, सॉलिड स्टेट पढ़ चुके. अच्छा क्रिस्टल बना लेंगे, उसका मीनिंग ये है कि उसको डिजॉल्व करने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी, जो आपकी लैटिस एनर्जी से कम होती है. जो हाइड्रेशन एनर्जी, डिजॉल्व करने की एनर्जी, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल बोल सकते हो आप. समझ में आया पॉइंट? अगर मैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं आपका ओके ये ठीक है. पॉइंट देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं आपको बता दे रहा हूं. आप लोग बताओ मुझे इधर पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? डिक्रीज और इंक्रीज बोलो बेटा. इंक्रीज. डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है. ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, लिथियम से लेकर के सीजियम तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज ना. आयनाइजेशन एंथैल्पी? डिक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? डिक्रीज.
डिक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज अभी मैं बोलूंगा मेटेलिक बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग हार्डनेस डिक्रीज ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज होती है और भी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज होने वाली है क्लियर है ना नाउ नेक्स्ट बताना आप लोग इधर पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज एक एक्सेप्शन होता है आपका वो याद रखना आप लोग लिथियम से सोडियम पोटेशियम बाकी आपका इंक्रीज होता है ओके सो दीज प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज होती है समझ में आया इस तरीके से याद करो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं कौन कौन सी डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप एक ग्रुप बना के याद कर लो याद रहेगा बेटा क्लियर है ना अभी अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप जाने पर आपका बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है means LiOH से आपका CSOH तक इंक्रीज होने वाला बेसिक कैरेक्टर्स ओके अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी वेरी गुड ओके means LiH से लेकर के CSH तक डिक्रीज होगी जिसको नहीं समझ में आता बेटा पूछो क्यों कैसे अदरवाइज सफर करोगे एग्जाम में अभी बताओ आयनिक रेडियस तो आप लोगों को पता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर वाटर के साथ रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इंक्रीज इंक्रीज लिथियम से सीजियम तक आपका इंक्रीज होने वाला है कौन सा रीजन से प्रसाद हाइड्राइड वाला यस हाइड्राइड में साइज आपको पोलराइजिंग पावर नहीं पता साइज नहीं पता जिसका साइज छोटा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसका साइज बड़ा है इनकंपैटिबल साइज यहाँ पर देखो लिथियम का साइज छोटा है इसका भी साइज छोटा है अच्छे से बना लेंगे कंपाउंड इसका साइज बड़ा है इसका साइज छोटा तो कंपाउंड नहीं बनाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना यस सर समझे ना तो ऑलरेडी रीजन बता चुका हूँ बस आपसे पूछ रहा हूँ सारी चीजें ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है एक बार आप कॉपी खोल के देखिए सब कुछ मिलेगा ओके अभी रिड्यूसिंग पावर बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है रिड्यूसिंग पावर लिथियम सबसे आगे है फिर डाउन द ग्रुप जाने पर आपका क्या होता है इंक्रीज इस तरीके से कर लो लिथियम सीजियम रुबिडियम सॉरी उल्टा कर रहे हैं सीजियम रुबिडियम पोटेशियम क्लियर है ना दैट इज रिड्यूसिंग पावर अगर मैं बोलूं आपसे डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड ऑक्साइड आप जानते हो ना बेटा सारे ऑक्साइड लाइक Li2O है आपका Na2O है K2O है RB2O
एंड CH2O ये ऑक्साइड है आपका, बेसिक कैरेक्टर्स बताओ, बेसिक नेचर बताओ। बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। पक्का सबको क्लियर है ना? इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, बिकॉज ये डिसोसिएट हो जाता बेटा। वो आपका CH2O अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो अच्छा बेस बनता है, ये आपका वीक बेस है। Li2O आपका वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वीक बेस बनता है, याद है ना? अभी बताया 10 मिनट पहले, याद है ना? पक्का। नाउ अभी बताओ व्हाट विल हैपन अगर मैं फ्रॉम Li2CO3 से लेकर के CH2CO3 इस पे मुझे सॉल्युबिलिटी देखना है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज होगा? अरे ये तो होता ही नहीं है, ये तो सॉल्युबल। डिक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ना दूसरा देख लो, रीजन बताइए। सॉल्युबिलिटी मैंने अभी बताया ना, मैंने जस्ट Li2CO3 है आपका, Li2CO3 जब आप सॉल्युबल करेंगे तो आयंस में टूट जाएगा। सॉल्युबिलिटी मैंने अभी बताया ना जस्ट इससे पहले, देखो Li2CO3 किधर है आपका। ओके चलो छोड़ दो, जो आपका Li2CO3 है आपका, अगर इसको हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे इन वाटर में, तो Li2CO3 जल्दी से जो CH2CO3 है ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं बात करूँ हाइड्रेशन एनर्जी की तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कार्बोनेट आपका डिक्रीज होता है, डाउन हाइड्रेशन एनर्जी आपका लैटिस एनर्जी, इस केस में आपका लैटिस एनर्जी कम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, बताओ मुझे, दोनों बताओ, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी? इंक्रीज। इंक्रीज होती है, दोनों इंक्रीज होती है क्या, एक इंक्रीज होती है? दोनों। दोनों इंक्रीज होती है। ओके, बट हाइड्रेशन एनर्जी मोर रैपिडली इंक्रीज होती है, ये याद रखना, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज मोर रैपिडली देन लैटिस एनर्जी। ओके दैट इज व्हाई ये सॉल्युबल हो जाते हैं, समझा? अगर इनकी स्टेबिलिटी का मैं नेचर देखूं, सॉरी ये स्टेबिलिटी बताओ क्या है, सॉल्युबिलिटी अभी छोड़ो इसको, ओके आप स्टेबिलिटी बताओ पहले। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। स्टेबिलिटी समझ में आया, इंक्रीज होती है बेटा, बाइकार्बोनेट। सॉल्युबिलिटी अभी के लिए छोड़ो, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। रीजन वही है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच में ही रीजन है। ओके कंफ्यूज नहीं होने का, दो ही चीजें हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, दूसरे दो ही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, इन्हीं दो के बीच में आपका रीजन रहता है। ओके कंफ्यूज नहीं होने का। नाउ NaHCO3 से लेकर के लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट से लेकर के आप सीजियम बाई कार्बोनेट तक जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज? स्टेबिलिटी। लिथियम बाई कार्बोनेट क्या होता है बेटा, सॉल्युबल।
सॉल्यूशन ओके। एंड यहां से यहां तक जाने में आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी मींस यहां पर थर्मल वर्ड जो है ना, थर्मल वर्ड मैंने बोला नहीं है, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना तो थर्मल स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे होते हैं, समझ में आया। बट किसी किसी बुक्स में आपका डायरेक्टली स्टेबिलिटी लिखा रहता है तो आप समझ जाना कि वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता है इस एस ब्लॉक के केस में, समझा। बाकी कहीं और अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर कहीं पर स्टेबिलिटी लिखा है तो वो समझना कि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता है वहां पर। थर्मली कितना स्टेबल है मीन्स कितना हीट करने पर, कितना हीट वो सह सकता है विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट फ्यूजिंग, वो टूटे ना, और कितना मैक्सिमम हीट सह सकता है। तो जिसका साइज बड़ा होगा कैटायन और एनायन का, या जिसका साइज छोटा होगा कैटायन एनायन का, वो ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। समझ में आया पॉइंट बेटा। साइज आपका या तो क्या होना चाहिए, या तो दोनों बहुत छोटे होने चाहिए बेटा, या तो दोनों बहुत बड़े होने चाहिए, तो ये स्टेबल हो जाएगा आपका। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। अगर किसी भी कंडीशन में आपका पॉजिटिव छोटा हो गया और नेगेटिव आपका बड़ा हो गया, या फिर आपका नेगेटिव पॉजिटिव आपका बड़ा हो गया और नेगेटिव आपका छोटा हो गया, ये केस हो जाएगा आपका अनस्टेबल कंडीशन का। समझे कि नहीं बेटा पॉइंट। अभी साइज तो आप जानते हो, साइज तो आप निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं यहां पर, इसका एग्जांपल आपका लिथियम फ्लोराइड है, इसका एग्जांपल आपका सीजियम सीएल ले लेते हैं, ओके। इसका एग्जांपल आपका लिथियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसका एग्जांपल आपका सीजियम हाइड्राइड ले लेते हैं। समझ में आया बेटा, ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? यस। अगर मैं पूछूं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड निकाल लोगे बेटा? यही क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके एग्जाम में, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नाउ काफी कुछ क्वेश्चंस हो गए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सोडियम के बारे में, ओके। सोडियम क्या चीज है, सोडियम किस तरीके से आपका फॉर्म होने वाला है। नाउ हेडिंग लिखना आपको सोडियम, दैट इज सोडियम, तो जानते हैं ना इसका सिंबल क्या होता है, एन ए। एन ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अकरेंसेस जानते हो बेटा, अकरेंसेस अकरेंसेस वर्ड जानते हो कि नहीं जानते, पहले ये बताओ। यस सर। सोडियम कभी फ्री स्टेट में मिलेगा क्या आपको? नहीं नहीं, तो हमेशा नहीं, कंबाइंड स्टेट में मिलने वाला है, ओके। याद रखना किसके कंबाइंड स्टेट में, नंबर वन लिखो यहाँ पर, नंबर वन है आपका सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। नंबर सेकंड आपका है सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में। अभी इसका फॉर्मूला तो आपको आइडिया है, लिख लेता हूं मैं, NaCl एंड NaNO3, ओके। जो आपका सोडियम नाइट्रेट है इसका एक और नाम होता है बेटा चिले साल्टपीटर, CHILESALTPETRE, ये इसका दूसरा नाम होता है सोडियम नाइट्रेट का, दूसरा नाम चिले सॉल्ट पीटर होता है। क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट है आपका,
थर्ड पॉइंट, सोडियम सल्फेट जानते हो? फॉर्मूला क्या होता है बेटा सोडियम सल्फेट का? Na2O इस फॉर्म में आपको मिलता है सोडियम सल्फेट, ओके? इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका GALAU ग्लोवर्स सॉल्ट, ये आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है। ग्लोवर सॉल्ट क्या होता है, किसका ओर है? ओर तो समझते हो ना, किसका ओर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ग्लोवर सॉल्ट के बारे में एक फॉर्मूला आया था, आई थिंक फॉर्मूला पूछा था या ओर पूछा था, किसका ओर है ये पूछा था। तो आप ये सोडियम का ओर है, ओर तो समझते हो ना बेटा, ओर जानते हो या नहीं जानते हो? ऑल ऑफ यू सारे लोग बता, ओर जानते हो या नहीं जानते हो? यस सर। हाँ, तो ग्लोवर सॉल्ट आप सोडियम का ओर है आपका, ओके? ये आपका जेई में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना इसको, ओके? नेक्स्ट फोर्थ, और भी बहुत सारे होते हैं बट मैं ज्यादा नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको यही बताने वाला बस। बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, इसका नाम भी होता है टिनकेल, इसका नाम होता है टिनकेल। एक आपका और होता है ट्रोना होता है, नेट्रॉन होता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट लिख लो, क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, CrYolite, क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला होगा आपका Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला होगा, ओके? एंड सिक्स्थ पॉइंट लिख लो, सोडा फेल्सपार, यहाँ पर डी साइलेंट होता है बेटा, डी को नहीं प्रोनाउंस करते हैं, फेल्सपार होता है, ओके? इसका फॉर्मूला आपका Na AlSi3O8 होता है। इनके फॉर्मूला आपको याद करना है, मैंने बोला इंपॉर्टेंट वन में मैं टिक लगा देता हूँ आपका, NaCl को तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये तो याद रहने वाला है। सोडियम नाइट्रेट है, ग्लोवर सॉल्ट है, बोरेक्स है, ये तीन आपको कंपलसरी ही है, पढ़ना ही पढ़ना है, इनके बारे में कहीं भी कुछ मिल जाए पढ़ लेना है, ओके? नाउ इसका अकरेंस तो देखा आपने कि इस फॉर्म में आपको सोडियम मिलता है, बट इस फॉर्म से आपको सोडियम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्म से देखो, एक्सट्रैक्शन लिखो, नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा एक्सट्रैक्शन, सोडियम निकालते कैसे हैं, एक्सट्रैक्शन मीन्स सोडियम निकालना, उसके लिए नंबर वन प्रोसेस है आपका कास्टनर प्रोसेस, सोडियम ज्यूलाइट नहीं आएगा बेटा, सोडियम ज्यूलाइट नहीं आता है, ओके? एक्चुअली में जो सोडियम होता है ना, वहां पर आपका कंटेंट्स बहुत, और देखो उसे बोलते हैं बेटा, जैसे हाँ देखो, एक आपका और होता है और एक आपका क्या होता है बेटा, दो चीजें होती हैं, मिनरल्स एंड और, समझ में आना? देखो अभी इधर को आप समझ लो, मिनरल्स एंड और दो चीजें होती हैं। लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ सोडियम के और की बात करना है, सोडियम के बारे में बात करना है, तो कोई सा भी कंपाउंड हो सोडियम का, सोडियम जहां पर है वो आपका मिनरल्स हो जाता है। किसी भी कंपाउंड में सोडियम एक्स वाई जेड, सोडियम आपका वाई जेड, सोडियम आपका ए बी सी, सोडियम आपका पी क्यू आर, कोई सा भी कंपाउंड अगर उसमें सोडियम है तो वो आपका मिनरल हो जाएगा, समझा मेरी बात? और किसे बोलेंगे, इसी मिनरल्स में से कोई तो एक ऐसा होगा, लेट से सोडियम, इससे इसमें सोडियम आपका 0.1% है,
इसमें सोडियम आपका 20% है, इसमें सोडियम आपका 60% है। तो जहां पर सोडियम परसेंटेज ज्यादा होती है एंड एक्सट्रैक्टेबल होती है, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, वो दोनों चीजें आपके ओर में आ जाएंगी। समझा मेरी बात हर्षदा? तो इसका मतलब जितने भी ओर होते हैं वो आपके मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स आपके ओर नहीं होते हैं। पॉइंट समझे ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, तो ये चीज देखो, ओर्स तो समझ में आया ना, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं चीजें, सोडियम जहां से हमको मिल सकता है वो आप ओर बोलेंगे। अदरवाइज ऐसे सोडियम का तो बहुत सारा कंपाउंड मिल जाएगा आपको, सारे को ओर नहीं बोलने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस है आपका कास्टनर प्रोसेस, CASTNER प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaOH, NaOH का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इन दिस प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज्ड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लिखो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नाउ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा। तो अभी ये आप लोग बताना मुझे, NaOH है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा क्या बनेगा आपका? Na पॉजिटिव और OH माइनस। माइनस, वेरी गुड। ओके, कैथोड पर क्या आएगा? कैथोड पर क्या आने वाला बेटा? Na पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉन लेगा एंड क्या बना देगा आपका? Na। एनोड पर क्या होगा? OH माइनस। एनोड पर आपका OH माइनस, एंड OH माइनस से क्या बनता है आपका? याद करो, वाटर मैंने बताया था H2O प्लस O2 प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ H2O जाता है एंड यहाँ पर 2 ये आता है, तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और 2 कर सकते हो या 4 कर सकते हो। ओके, आपने टू कर दिया। ओके, मैटर नहीं करता, आप बैलेंस कर लेना सारे इक्वेशंस। ओके, समझ में आया? बैलेंस नहीं, अभी यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी आपको 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका 4 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 आएगा आपका, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। अभी बैलेंस है आई थिंक, देखो बैलेंस है क्या? क्लियर है? नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एक चीज याद रखना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर होता है ना आपका, इसमें ऑक्सीजन एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ ना, जो ऑक्सीजन एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है आपका, इसमें क्या होगा, वाटर जो आपका एनोड पर बन रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा, मींस वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। ओके, एंड वेपर बन के बाहर निकलेगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है आपका, वाटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस तो हो ही रहा है आपका, तो वाटर भी आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। समझा? वाटर भी आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा एंड साथ में आपका H2O, ये देखो क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वाटर आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर है? एंड दिस एच पॉजिटिव, यहां से आपको एच टू गैस मिल जाएगी। ये एच टू गैस मिल जाएगी, क्लियर है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, यहां पर एच टू गैस प्रिवेंट करते हैं,
रोकते हैं, अदरवाइज एच टू गैस आपका सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बना लेगा, समझा? तो ये प्रोसेस प्रिवेंट करते हैं हम लोग, सारा का सारा वाटर हम लोग बाहर निकालने का ट्राई करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो वाटर बाहर निकल जाएगा तो आपका एच टू गैस नहीं बनेगा, एच टू गैस नहीं बनेगा तो सोडियम से इस सोडियम से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। बिकॉज देखो, अगर वाटर आपका एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव पर बनता है तो ये आपका कैथोड पर जाने वाला है, बोलो कैथोड पर जाएगा ना, कैथोड पर आपका एच पॉजिटिव से एच टू बनेगा और कैथोड पर आपका सोडियम भी है, तो हम इस रिएक्शन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि ये रिएक्शन आगे फर्दर ना हो इस तरीके से। क्लियर है बेटा? हाँ बोलो। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ सेकंड प्रोसेस है आपका, ये कास्टनर प्रोसेस है। कास्टनर प्रोसेस में आपको याद रखने वाली चीज ये है कि सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaOH बस, और कुछ नहीं याद करना। सेकंड है आपका कैथोड पर आपका NaOH मिलता है बस, और कुछ भी नहीं याद करना। नेम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना कि ये आपका कास्टनर प्रोसेस है। ओके, सेकेंड प्रोसेस है आपका डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बट किसका करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। अभी मुझे आपके लिए होमवर्क है कि मैं ये फ्यूज वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, इसका आप लोग पता करके लाना कि इस फ्यूज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। यहाँ पर मैंने फ्यूज NaOH लिखा ना, यहाँ पर फ्यूज लिखा, तो इस फ्यूज का मीनिंग क्या, वो मुझे कल बताना आप। फ्यूज्ड NaCl का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अभी आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके कैथोड और एनोड पर क्या मिलने वाला वो बना सकते हो ना, बोलो बेटा कर सकते हो? And this is the modern process, याद रखना बेटा, आज के टाइम पर यहीं से आपका सोडियम आता है। ओके, एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इस प्रोसेस में आप क्या करते हो बेटा, प्लस CaCl2 और आपका प्लस NaF ऐड करते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें। याद करो मैंने बोला था ना, जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो NaCl में एक सॉल्ट ऐड करना पड़ता है, याद है कि नहीं? इधर पर लिखा था ओनली सक्सेसफुल मेथड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट क्लोराइड ब्लड एनदर मेटल क्लोराइड, इसमें ऐड करना पड़ता है टू लोअर द टेम्परेचर। ये पॉइंट याद है ना बेटा ऑल ऑफ यू? ओके, तो इस पॉइंट को आपको इसमें क्या, NaCl में एक दूसरा एलिमेंट्स, दूसरा मेटल सॉल्ट आपको ऐड करना पड़ता है। बेसिकली तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर CaCl2 और NaF आपको ऐड करना पड़ता है। रीजन क्या है, टू लोवरिंग, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ NaCl। ओके, मेल्टिंग पॉइंट NaCl फ्रॉम 800 डिग्री सेल्सियस से आपका 600 डिग्री सेल्सियस आ जाता है NaCl का मेल्टिंग पॉइंट्स इसको ऐड करने से। समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, NaOH की सॉरी सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करता है, सोडियम वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है, सोडियम एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, ऑलरेडी हो चुका है आपका। ओके, तो हम लोग सिर्फ ओवरव्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन का, उसके बाद हम लोग सोडियम के कंपाउंड्स देखेंगे। सोडियम के कंपाउंड्स बेसिकली आपका
सोडियम ऑक्साइड आएगा, सोडियम परोक्साइड आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा. तो मेजरली आपका जो फोकस रहेगा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड पर रहेगा. ओके, बाकी सारे ऑक्साइड एंड परोक्साइड नॉमिनल है, कुछ भी जरूरत नहीं उसको ज्यादा पढ़ने का. हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस रहेगा. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ओके, सो लेक्चर सभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ. इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो आज के लेक्चर में और पीछे वाले जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे मैसेज करो. क्लियर है? ओके, सो लेक्चर में अभी स्टॉप कर रहा हूँ. बाय बाय एवरीवन, यू कैन लीव नाउ. ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो रुक सकता है. आई एम वेटिंग. शिव प्रसाद, एनी प्रॉब्लम बेटा?